नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्यूबबडी वर्सेस विदाईक्यू। अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो आप इन दोनों SEO टूल का जरूर यूज करते होंगे। विदाईक्यू एंड ट्यूबबडी, इन दोनों एप्लीकेशन का हर एक यूट्यूबर यूज करता है। अगर आप नहीं करते हैं तो मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगा कि आप यूज करना। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आखिर इन दोनों एप्लीकेशन में से कौन सा बेस्ट है, आखिर हमको इन दोनों में से कौन सा यूज करना चाहिए, या फिर जितने भी बड़े बड़े क्रिएटर हैं आज के टाइम पे, आप जितने भी बड़े बड़े क्रिएटर हैं, वो लोग आखिर इन दोनों में से कौन सा एप्लीकेशन को ज़्यादा यूज करते हैं, सारा कुछ आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आप एक न्यू क्रिएटर हैं तो मैं आपको जरूर कहूँगा कि इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं एक एक पॉइंट आपको बताने वाला हूँ कि आखिर कौन सा एप्लीकेशन हमारे लिए बेस्ट है। अगर आप एक न्यू क्रिएटर हैं तो आपके लिए कौन सा एप्लीकेशन बेस्ट रहने वाला है एंड इसका यूज करने से हमको क्या प्रॉफिट होने वाला है, आज की इस वीडियो में सारा कुछ आपको बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, वीडियो को पूरा देख लेना। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। उसके पहले आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो भाई वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पहली बार है चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने मोबाइल की स्क्रीन को ऑन कर दिया हूँ एंड आपके सामने मैंने ट्यूबबडी को ओपन कर दिया, ठीक ना। अब जैसे ही आप लोग ट्यूबबडी ओपन करते हैं तो कुछ इस प्रकार से आपके सामने ओपन होता है एंड जिस वीडियो पर आपका जितना व्यू जाता है ना, सब कुछ यहाँ पर दिखा देता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और आपको दिखाता है कि जो भी आपने वीडियो अपलोड किया है उस वीडियो को कितने लोगों ने डिसलाइक किया है, ये भी चीज़ें दिखा देता है, ठीक ना। हालांकि YouTube पर आपको ये देखने को नहीं मिलेगा कि कितने लोगों को आपको, मतलब कि आपके वीडियो को कितने लोगों ने डिसलाइक कर दिया, ठीक ना। लेकिन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है, ठीक ना। अब दोस्तों, मैं क्या करता हूँ, जो भी मैंने वीडियो अपलोड किया ना उसके वीडियो पर क्लिक करता हूँ। मान लो मैंने इस वीडियो को कल अपलोड किया था, मैंने इस पर क्लिक कर देता हूँ, ठीक ना। देखो, मैंने इस पर क्लिक कर देता हूँ। अब दोस्तों, जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए आपके सामने ये दिखा देगा कि आपके वीडियो का थंबनेल कैसा है, इस पर ब्लू टिक है। उसके बाद आपने वीडियो में टैग योर टाइटल, यानी कि अभी मेरा जो भी, मतलब वीडियो का जो भी टैग है टाइटल, वो भी सही है, ग्रीन टिक लगा हुआ है। आपके वीडियो का डिस्क्रिप्शन कैसा है, ये भी आपके यहाँ पर सही है। टैग लेंथ क्या है, वो भी सही है, ठीक ना। मतलब जो भी आपने वीडियो में टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन है, सब कुछ यहाँ पर मतलब कि देख सकते हैं कि सही है कि नहीं है, ठीक ना। एंड उसके नीचे देखोगे तो आपने वीडियो में ऐड, मतलब कि कार्ड लगाया है कि नहीं लगाया, जो भी मतलब ऊपर में आइकन लगाते हैं ना, तो वो भी दिखा देगा कि आपने ऐड किया है कि नहीं किया है। इन डिस्क्रीन ऐड किया है कि नहीं किया, मैंने नहीं किया, ठीक ना। एंड आपने इस वीडियो को प्लेलिस्ट में ऐड किया है कि नहीं, वो भी चीज़ें यहाँ पर दिखा देगा, ठीक ना। सारा कुछ आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, उसके बाद मैं आपको नीचे वाला ऑप्शन पा जाता हूँ इस पर। तो अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर क्या दिखाता है, जैसे मान लो कि आपने कोई भी वीडियो अपलोड किया है ना, तो उस वीडियो में जो भी आप टैग डालते हैं, आपकी टैग कितने नंबर रैंक कर रहा है, वो चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक ना। हालांकि मेरा एक भी टैग रैंक नहीं कर रहा है, सिर्फ एक टैग रैंक कर रहा है, इंप्रेशन नहीं भेज रहा है, क्या करे, 24 नंबर पर रैंक कर रहा है, ठीक ना। लेकिन उसके बाद मेरा कोई भी टैग रैंक नहीं कर रहा है, क्योंकि मैंने टैग फाइंड करके लगाया ही नहीं था, बस जो भी मन में आया था मैंने डाल दिया था, इसीलिए कोई भी रैंक नहीं कर रहा है, ठीक ना। तो ये भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन सा टैग आपका कितने नंबर रैंक कर रहा है, ठीक ना। दोस्तों, उसके बाद अब नीचे वाले ऑप्शन पर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देखिए क्या दिखाई देगा, कॉपी टू क्लिपबोर्ड, यानी कि जो भी मतलब कि आपके वीडियो का URL है ना, उसको कॉपी कर सकते हैं, वीडियो का टाइटल कॉपी कर सकते हैं, वीडियो का टैग, डिस्क्रिप्शन, थंबनेल का URL, सब कुछ यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, यहाँ से सब कुछ आपको ऑप्शन मिल जाता है, ठीक ना। लेकिन अगर उसके नीचे देखोगे तो सेव वीडियो थंबनेल इमेज, यानी कि जो भी आप अपने वीडियो में, मैंने ये थंबनेल ऐड किया है ना, इस थंबनेल को मैंने अपने मतलब कि इमेज में अपने फ़ोन में सेव भी कर सकता हूँ, यहाँ से आपको फीचर मिल जाता है, ठीक ना। अब दोस्तों, उसके बाद मैं नीचे वाला इस पर क्लिक करूँगा तो जैसे ही क्लिक करूँगा तो यहाँ पर कुछ खास नहीं दिखाता है, बस आपके वीडियो पर कितना व्यूज आया है, कितना लाइक है, कितना कमेंट है, सब कुछ यहाँ पर दिखा देगा, तो ये कुछ खास नहीं है, ठीक ना। अब मैं बैक कर देता हूँ, चलो इसको थोड़ा सा बैक कर देता हूँ। अब दोस्तों, मैं जैसे ही बैक करूँगा तो देखो नीचे में और भी आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। ये तो सिंपली आपका कमेंट है कि आपके वीडियो पर कितना कमेंट आया है, ये चीज़ें यहाँ पर दिखा देगा, ठीक ना। हालांकि लोडिंग होने में थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन जो भी आपके वीडियो पर कमेंट आता है ना, वो कमेंट यहाँ पर भी शो हो जाता है, देखो मेरा शो भी हो गया। अब उसके बाद दोस्तों, नीचे एक ऑप्शन मिला माइलस्टोन का, अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक ना। काफ़ी लोग पूछते हैं कि भाई आपको ऐसा बैनर कहाँ से मिलता है। देखो माइलस्टोन क्या होता है, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, आपने देखा होगा कि हर क्रिएटर, जैसे उनका मतलब मेरे चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होता है, 100 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होता है, तो मुझे इस तरह का बनाया हुआ एक लोगो मिल जाता है। काफ़ी लोगों को देखा होगा कि अपने कम्युनिटी पोस्ट में शेयर करते हैं, तो ये चीज़ काफ़ी लोग पूछते हैं भाई आपको ये कैसे मिलता है। हालांकि ये मिलता नहीं है, ठीक है, मतलब बनाना नहीं पड़ता है, ऑटोमेटिक मिल जाता है। जैसे ही आप ट्यूबबडी में अपने चैनल को लॉगिन करते हो ना, तो ऑटोमेटिक ये आप ट्यूबबडी आप खुद से दे देता है, ठीक ना। देखो मेरे अभी 350 वीडियो अपलोड किया था तो मेरे को दे दिया, 350 वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, मेरे चैनल का नेम भी दिखाई दे रहा है, ठीक ना। तो इस तरीके से आपको मिल जाएगा एंड मैं इसको फोन में सेव भी कर सकता हूँ, सेव टू फोटो पर क्लिक करूँगा, ऑटोमेटिक मेरे फोन में सेव हो जाएगा। ये चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाती है, ठीक ना। अब उसके बाद दोस्तों, न्यूज वाले सेक्शन पर तो कुछ नहीं मिलता है आपको, कुछ ये इंपॉर्टेंट है ही नहीं। लेकिन उसके बाद मैं मेनू वाले पर क्लिक करूँगा तो देखो यहाँ पर अब आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। जैसे मान लो कि जो भी आप अपने वीडियो में टैग डालते हैं ना, तो उसका टैग का सर्च वैल्यूम चेक कर सकते हैं। यहाँ पर टैग डाल करके उसका सर्च वैल्यूम चेक कर सकते हैं कि इस टैग पर कंपटीशन कितना है, कितने लोग सर्च करें, कितने लोग वीडियो बनाए हैं, सब कुछ यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं।
अगर आपको नहीं आता है तो उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैं आई कार्ड पर डाल दूंगा, ऊपर आई बटन में डाल दूंगा, जा करके देख लेना, ठीक ना। तो यहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर, देखिए टॉपिक प्लानर का, ठीक ना। अब ये क्या है थोड़ा सा ध्यान से समझना है दोस्तों। अब यहाँ पर क्या होता है ना कि जैसे मान लो कि मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, ठीक ना, एंड मेरे माइंड में और दो तीन टॉपिक है कि मुझे इस टॉपिक पर वीडियो बनानी चाहिए, तो आप यहाँ पर ना ऐड करके इस टॉपिक को रख सकते हैं, ताकि मतलब कि आप भूले नहीं कि इस टॉपिक पर मुझे वीडियो बनानी है, टॉपिक को ऐड करके रख सकते हैं, ठीक ना। तो ये फीचर आपको ट्यूबबडी में मिल जाता है। तो दोस्तों ये तो हो गया ट्यूबबडी की बात, लेकिन अब हम बात करते हैं विधायकों की, ठीक ना। चलिए मैं इसको बैक कर लेता हूँ एंड मैं यहाँ से अपने विधायकों को ओपन कर लेता हूँ। दोस्तों विधायकों को जैसे ही आप ओपन करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट कि आपको पर डे तीन तो टॉपिक मिल जाता है, ठीक ना, तीन टॉपिक मिल जाता है जिस पर आप वीडियो बना सकते हैं। अगर आपके माइंड में है वीडियो बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, या फिर आप डिसमिस कर सकते हैं। देखिए व्यूज के चक्कर में सालों पक्की दोस्ती खत्म, ठीक ना, सालों पक्की दोस्ती खत्म, मनोज दे वर्सेस टेक चैंपियन टेक निकल ही होगी। मैं जो अगर मैं मुझे इस टॉपिक पर वीडियो बनाना है, मुझे कुछ ओपिनियन देना है, तो मैं यहाँ पर दे सकता हूँ। अगर नहीं चाहे तो मैं डिसमिस कर दूंगा, मैं डिसमिस कर देता हूँ, ठीक ना। तो इस तरीके से आपको मतलब पर डे तीन टॉपिक मिल जाता है जिसपे आप वीडियो बना सकते हैं, एंड टॉपिक भी काफ़ी अच्छा खासा मिलता है जिसपे आपका व्यूज आएगा, ठीक ना। ऐसा टॉपिक आपको मतलब विधायक को मिल जाता है। लेकिन दोस्तों उसके नीचे मैं बात करूँ तो देखो यहाँ पर अब आपको फीचर क्या मिलता है, जो भी आप वीडियो अपलोड करते हैं वीडियो का आपका एनालिटिक्स दिखा देगा कि कितने वीडियो व्यू मतलब कि आपके वीडियो पर कितना व्यू जाएगा, सब कुछ यहाँ पर दिखा देता है, ठीक ना। मैं शो ऑल पर क्लिक करूँगा तो मेरा सारा वीडियो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। लेकिन दोस्तों उसके नीचे अगर आओगे तो देखो यहाँ पर लिखेगा टॉप कीवर्ड अपॉर्चुनिटी, यानी कि इस कीवर्ड पर आप वीडियो बना सकते हो, ठीक ना। मतलब कि यहाँ पर देखो यहाँ पर मतलब कुछ कीवर्ड दिखाई दे रहा है, तो मैं इस पर वीडियो बना सकता हूँ। ये खुद आपको विधायक को जो है ना रिकमेंड करता है, ठीक ना। लेकिन दोस्तों उसके नीचे आओगे तो देखो यहाँ पर टॉप सर्च टर्म योर चैनल, मेरे चैनल पर कौन सा कीवर्ड को ज़्यादा सर्च किया जा रहा है, मतलब कौन सा कीवर्ड को लोग ज़्यादा सर्च करके वीडियो देख रहे हैं, ये चीज़ यहाँ पर दिखा देगा, ठीक ना। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर देखिए दिखाई देगा परफॉर्मेंस वीएस कॉम्पिटिटर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ, ध्यान से समझना कि मैं क्या बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों अब यहाँ पर क्या होता है ना कि आप अपने चैनल का एज ए कॉम्पिटिटर कुछ चैनल सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका और मेरा चैनल एक ही कैटेगरी का है, एंड आपके चैनल पर कम व्यू आ रहा है, मेरे चैनल पर ज़्यादा व्यू आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा ना कि भाई मतलब कि मान लो कि आपके चैनल पर कम व्यू आ रहा है तो आप मुझे अपने कॉम्पिटिटर में सेलेक्ट कर सकते हैं, कि मुझे भी कहीं ना कहीं मतलब कि मेरे तरह आपको भी अपने चैनल पर व्यूज लेकर आना है, तो आप अपने कॉम्पिटिटर को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर देखोगे तो मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया हूँ टेक्निकल मतलब टेक चैंपियन सपोर्ट सर का जिसपे व्यूज कितना आ रहा है, इनका 30 दिनों में 6.8 मिलियन व्यू आया है। अभी रेट्रो का सेलेक्ट किया 2.2 मिलियन व्यू आया है, वीके टेक्निकल भैया का 1 मिलियन व्यू आया है, तो आप कॉम्पिटिटर सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक ना। और उसके नीचे देखोगे तो जो भी आप कॉम्पिटिटर सेलेक्ट करोगे उनके वीडियो पर कितना व्यू आ रहा है रिसेंटली वाले वीडियो को, वो चीज़ें यहाँ पर दिखाता रहता है, ठीक ना। तो ये सारा फीचर आपको मिल जाता है विधायकों में। लेकिन अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट फीचर बता रहा हूँ, ध्यान से समझना, ठीक ना। देखिए दोस्तों मैं क्या करता हूँ, इस वीडियो पर क्लिक करता हूँ जो भी मैंने वीडियो अपलोड किया। अब दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि जैसे मान लो कि जो भी आप वीडियो अपलोड किए ना, तो आप अपने वीडियो का टाइटल देख सकते हैं यहाँ पर में। लेकिन विधायकों में अब एक नया फीचर आ गया है कि अब ये विधायकों ने खुद आपको टाइटल रिकमेंड करेगा कि आप इस टाइटल को अपने वीडियो में ऐड कीजिए। जैसे देखोगे तो मैंने क्या डाला, यूट्यूब इंप्रेशन हाउ डू यू गेट इट, ठीक ना। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, देखो मतलब विधायकों जो है ना मेरे को ऑलरेडी टाइटल भी रिकमेंड करा है कि आप इस टाइटल को ऐड कर सकते हैं। देखो यहाँ पर मैंने बहुत सारे टाइटल दे दिया, और जैसे मान लो मुझे इस टाइटल को यूज करना है तो यूज दिस टाइटल पर क्लिक करूंगा, ऑटोमेटिक ये टाइटल मेरे वीडियो में लग जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये एक नया फीचर ऐड हुआ है एंड ये काफ़ी अच्छा फीचर है, ठीक ना। तो ये भी आपको मिल जाता है यहाँ पर विधायकों में। अब दोस्तों उसके नीचे अगर आओगे तो आप अपने पूरे वीडियो का डिस्क्रिप्शन भी देख सकते हो, क्या क्या डिस्क्रिप्शन डाला है, ठीक ना। आप कुछ चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज भी कर सकते हैं, ठीक ना। लेकिन दोस्तों अब उसके नीचे आओगे तो जो भी आपके वीडियो में टैग है, जो भी आपने टैग डाला तो टैग भी दिखा देगा कि कौन सा टैग कितने पर रैंक करने वाला है, कर रहा है, नहीं कर सकता है, अनुमान लगाया जाता है, तो वो चीज़ें यहाँ पर दिखा देता है, ठीक ना। लेकिन दोस्तों अब क्या होता है कि जैसे मान लो कि आपको टैग फाइंड करने नहीं आता है, टैग फाइंड करने में प्रॉब्लम होती है, तो आपको टैग फाइंड करने की जरूरत नहीं है, विधायकों में ऑलरेडी आपको टैग फाइंड करके दे देता है। जैसे मान लो देखो यहाँ पर हाउ टू इंक्रीज यूट्यूब इंप्रेशन, मुझे इस टैग को ऐड करना है तो इस प्लस वाले आइकन पर क्लिक करूंगा, ऑटोमेटिक ये मेरा टैग जो है ना ऐड हो जाएगा, ठीक ना। ऑटोमेटिक टैग ऐड हो जाएगा तो आपको टैग फाइंड करने की भी जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक टैग फाइंड करके विधायक को जो है आपको दे देता है। ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, ठीक ना। तो आप टैग भी फाइंड कर सकते हैं एंड इसको सेव भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों उसके बाद मैं क्या करूँगा, ऊपर में देखो एक ऑप्शन मिलेगा SEO स्कोर, यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ से ना आप अपने मतलब वीडियो का SEO स्कोर चेक कर सकते हैं कि मैंने जो भी वीडियो में SEO डाला है आखिर उसका स्कोर क्या है। 50 यहाँ पर दिखाई दे रहा है लेकिन 48 मेरा है, तो मतलब ऑन मतलब अगर मैं एवरेज बताऊँ तो मुझे काफ़ी अच्छा है इसका वीडियो का स्कोर जो है SEO, मतलब कि मैंने सही से किया है, ठीक ना। तो आप ये चेक कर सकते हैं। तो ये कुछ फीचर्स मिल जाते हैं आपको विधायकों में, एंड विधायकों भाई मतलब कि मेरे लिए काफ़ी बेस्ट है। मैं अगर आपको बता दूँ तो जितने बड़े बड़े क्रिएटर देखते हैं ना,
ट्यूब बडी को तो यूज करते हैं बट विधायकों को काफी लोग यूज करते हैं। यहाँ पर टेक्निकल योगी सर हो गए, जुनू कुटे हो गए, सभी लोग जो है ना विधायकों का यूज करते हैं। यहाँ तक कि मैं खुद भी मतलब कि विधायकों का ही यूज करता हूँ, ठीक ना। तो आप विधायकों को जरूर यूज करना, अगर आप नहीं करते तो मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगा कि आप विधायकों की यूज करना, काफ़ी कुछ आपको इसमें मतलब हेल्प होता है। जैसे मान लो कि आप वीडियो का जो भी SEO कर रहे हैं ना, तो आप इसके मदद से ना अपने SEO स्कोर को बढ़ा सकते हो, ठीक ना। तो सारा कुछ आपको इसमें देखने को मिल जाता है। तो ये मतलब विधायकों जो है ना काफ़ी बेस्ट एप्लीकेशन है। ऐसा नहीं कि मैं कोई प्रमोशन के लिए बोल रहा हूँ, मतलब कि मेरे लिए काफ़ी भाई बेस्ट है। स्टार्टिंग में मेरे लिए मुझे मतलब स्टार्टिंग में मुझे काफ़ी ज़्यादा मदद किया था। तो अगर आप एक न्यू क्रिएटर हैं तो जरूर यूज करना, ठीक ना। तो बाकी दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको भाई ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पहली बार चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता है इसी प्रकार से किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।